अगले परफॉर्मर डांस के करोड़ों दीवानों की तरह ग्रैंड मास्टर के बहुत बड़े फैन हैं और ग्रैंड मास्टर के स्टाइल की कॉपी इतनी अच्छी करते हैं कि खुद ग्रैंड मास्टर मानते हैं कि उनके जैसी कॉपी उनकी आज तक किसी ने नहीं की। लेकिन इनका अपना भी एक अंदाज है जिसकी वजह से ये है डांसिंग स्टार, और आज इनका यही अंदाज उतर रहा है डांस की कसौटी का सामना करने। तो पेश है मुदसर की मंडली से नेपाल के डांसिंग स्टार सुनील छेत्री। इस टाइम हमारी टीम से सुनील नॉमिनेट हुए हैं और ये इस सीजन का फर्स्ट नॉमिनेशन है। मैं समझता हूँ बहुत ही कॉन्फिडेंट बंदा है। उसको मैंने बोल दिया तुम ऊपर से मारो या बिल्डिंग के ऊपर से, तो हाँ मैं बिल्डिंग के ऊपर से भी छलांग मारने को तैयार हूँ। आज तक उन्होंने जो परफॉर्मेंसेस दिए हैं उसके ऊपर से उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए। स्टंट इतने ह्यूमंगस लगते हैं कि देखकर ऐसे दिल ऐसे बाहर आ जाता है। जब वो डांस करते हैं ही डजंट लुक लाइक अ डांसर बट ही इज अ परफॉर्मर ऑन स्टेज। सुनील के सोलो में भी उसके बहुत सारे अलग अलग स्टंट्स हैं जो शायद आई डोंट थिंक एनीबडी इन द टॉप 18 कैन डू। बहुत एंटरटेनिंग सोलो है तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो वापस जरूर आएंगे। सुनील ऑल द बेस्ट। थैंक यू दादा। थैंक यू सुनील। इंडिया से नेपाल बवाल बवाल धमाल धमाल। जरूर। All right, roll cameras, roll sound, and action! Hey, प्याज के छिलको, अभी तो इन्होंने सिर्फ एंट्री मारी है, आगे आगे देख, होता है क्या? Hey! कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता 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 करता। नहीं होएगा, एक और टाइम म्यूजिक। And back up. Fantastic! Zorda Taliyan ho jaye Sunil Chhetri ke liye. What a performance! Rocking! मजा आ गया। थैंक यू। चले जानते हैं मास्टर से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसे लगा, और सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर फिरोज से। आपने शुरुआत की, आप ऊपर आए एकदम हीरो एंट्री, फिर एक पोर्शन था आप बैक टंबल करके आप पीछे गए टू डू दैट स्टेप, आई थिंक वो थोड़ा अपफ्रंट होता मेरे लिए वाव लगता, मगर एज इन बॉलीवुड स्मॉल स्मॉल पिकअप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मूव्स वाज रियली रियली नाइस एक्सेप्ट फॉर योर स्टंट्स, अदरवाइज टोटल एंटरटेनमेंट पैकेज। थैंक यू सर। बहुत अच्छा गाना चूज किया आपके स्टाइल के साथ, बहुत अच्छी तरीके से गया, लेकिन ये वाले परफॉर्मेंस में मुझे थोड़ा डांस कम लगा बिकॉज आपका पर्सनालिटी है, यू हैव द पर्सनालिटी ऑफ अ हीरो, एक्सप्रेशन जब करते हो मतलब पूरा समा बांध के रखा आपने, बट अगली बार थोड़ा डांस ठीक है? जरूर।
कॉन्सेप्ट ऐसा था, बताना चाहूंगा कि ये एक स्ट्रगलिंग एक्टर है जो हर हीरो के एक्टिंग कर रहा है, तो उसमें कहीं कहीं फेल हो जाता है, गिर जाता है, तो दो तीन फ्लिप्स में इसमें जानबूझ के गिरा है ताकि ये दिखाने के लिए कि भाई मैं गिर गया हूं, और मैं तो वहां से भी ऐसा था कि वो फ्लिप मार के इधर आ जाता तो ना, तो वो वहां से भी गिरा हो। ये सारी चीजें बहुत बखूबी इसने निभाई है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मास्टर्स। ग्रैंड मास्टर, हाँ मुझे बहुत क्लियर लगा। आई थिंक इवन दैट जो हाइट आपने ली थी, इट इज इनक्रेडिबल, माय गॉड। बात रहेगी डांसिंग की, यू रियली डांस्ड वेल, जहां जहां आपकी डांसिंग की बात है बहुत अच्छा किया, और मैं सभी के साथ सहमत हूं, आप अगर फुल्ली ट्रेंड हो जाए सो आई कैन सी ए बिग फ्यूचर फॉर यू। सुनील दादा, मुदस्सर सर ने मुझे बहुत समझाते हैं, हमेशा समझाते हैं कि कोशिश कर, कॉन्सेप्ट में ध्यान दे, हमेशा कॉन्सेंट्रेट कर, दिल से कर, हंस के कर, खुल के कर, तू कुछ बनेगा। मेरे पिताजी नहीं है, गुजर चुके हैं, मुझे सब चीज मिलता है उनसे। एकदम हम लोग हमेशा खुश रहते हैं उनसे। इससे पहले आप काउंटिंग में नहीं थे, जो आपकी मर्जी आप करते थे, सभी हम लोग भी, कोई भी, और जब भी वो 1, 2, 3, 4 मास्टर की आवाज जब कान पे आती है ना, एंड उस समय चावल अलग, पानी अलग, दूध अलग, मसूर दाल हो जाता है। भाई नाम ले रहा है तो चलो ठीक है, चलो भाई आज से इनका एक बार बोलो भाई इसका नाम क्या है। अच्छा क्यों बोला तूने, मैं बोला था, आपने बोला दाल अलग हो जाता, चावल अलग हो जाते, तो तूने मसूर दाल क्यों बोला, वो ऐसी आप बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच, मैंने नहीं कहा। पब्लिक क्या नाम है भाई, मैच नहीं होता है वो। अच्छा चलो दादा, खड्डा खोदा था इन्होंने, किसी और के लिए खुद ही गिर गई। अच्छा मास्टर मसूर दाल, मेरे चाहने वाले मुझे ऐसे बुलाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो तुझे चाहता हूँ, मैं तुझे बहुत चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और मैं तुझे आज से मसूर दाल ही और मैं तुझे बताता हूँ, माय फेवरेट दाल इज मसूर दाल। पर खाने में क्यों लिया मुझे, और मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, इसके बाद हर लड़की तुझे चबा के खाना चाहेगी। अरे फिरोज क्या कर रहा है ये फिरोजा को बहुत मजा आता है ऐसा कुछ होता है। सुनील मैं आपको दावे से कहता हूं, अगर इनकी बातें आप सुने, आई कैन सी ए ग्रेट फ्यूचर इन यू। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर। और अभी के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। ग्रैंड मास्टर का फैसला क्या है ये आपको बाद में पता चलेगा, अभी के लिए वहां पर उस रेड सोफे पे जाके बैठ जाइए। दो दाता लो जा।